हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, कोई भी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम के टाइप क्या है। अगर टाइप समझ में आ गए तो कंडीशन भी ध्यान में आ जाएगी। इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है, पहला है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि उसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशनल मोशन तभी नहीं हो सकता है जब एफ नेट जीरो रहेगा। ओके, यानी जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जीरो रहेगा तब हम लोग बोलेंगे कि द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो है, इसका मतलब यहां पे दो इक्वेशन लगाना है, समेशन इन एक्स शुड बी जीरो एंड समेशन इन वाई दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी जितने फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका एडिशन करके क्या आना चाहिए? जीरो। या जितने फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका एडिशन करके क्या आना चाहिए? जीरो। समेशन एफ एक्स जीरो यानी एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे। सॉरी, ये हो गया समेशन एफ वाई, एफ वाई का केस। समेशन एफ एक्स का केस क्या हो गया? एक फोर्स राइट साइड में, दूसरा फोर्स लेफ्ट साइड में। तो ये वाले केस में समेशन एफ एक्स जीरो है, ये वाले केस में समेशन एफ वाई जीरो है। समझ में? तो ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वुड बी जीरो। उसके बाद में जो केस है दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ओके, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ओके, क्लियर है ध्यान में? ओके, तो टॉर्क कैसे निकालें हम लोग आगे जब दो प्रॉब्लम्स लेंगे उसमें समझ में आएगा कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके, अब इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि एक रिजिड सपोर्ट है, उससे दो वायर्स ऐसे अटैच है। ओके, और एक रॉड ये इस तरीके से उसके ऊपर लटका के रखा है, दो सपोर्ट से लटका के रखा है। ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 3L बाय 4 और ये वाला डिस्टेंस हो गया L बाय 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो यू हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ओके, अब इक्विलिब्रियम यानी ना ही ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कोई ट्रांसलेशनल मोशन है कि इसमें नहीं, मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेट भी नहीं कर रहा है ऐसा बोला है, मतलब इक्विलिब्रियम यानी समझ लेंगे कि भाई इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बोला है। तो टॉर्क भी क्या हो गया? जीरो। समेशन फोर्स एफ नेट, नेट फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, टेंशन निकालना है। लेट अस से टेंशन टी ए, ये पॉइंट पे हो गया, ये ए पॉइंट हो गया एंड बी पॉइंट जो है ये बी पॉइंट, ये यहाँ पे जो वायर है उसमें टेंशन है टी बी। ठीक है, वजन एम जी नीचे बीच में लगेगा, इसका जो वेट है एम जी वो बीच में लगेगा एट अ डिस्टेंस एल बाई टू। ठीक है, सपोज यहाँ पे रॉड है, ये एक एंड पे लगाया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या लग रहा है? नेट फोर्स टी ए और टी बी ऊपर लग रहे हैं और एम जी नीचे लग रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब जितने फोर्सेस ऊपर लगेंगे उतने ही फोर्सेस नीचे लगेंगे। ऊपर कितने लग रहे हैं? टी ए प्लस टी बी, और नीचे कितना लग रहे हैं? एम जी। समझ आया? जितने फोर्स ऊपर लगेंगे अगर उतना ही फोर्स नीचे लगता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट फोर्स ऑन दैट सिस्टम इज जीरो। समझाए कंसेप्ट? दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे? टॉर्क अबाउट ए जीरो लगाएंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो लगाएंगे। आप कोई भी पॉइंट लगा सकते हो, बी पॉइंट भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा। मैंने टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो लगा। ओके,
टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सबसे पहला फोर्स क्या है, टी ए इनटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना लेंगे, जीरो। समझा, क्लियर। लेकिन एक बार ध्यान में रखो, यहां पे फोर्सेस का डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अब आपने क्या करना है, यहां पे टॉर्क में दो कंसेप्ट यूज करना है। अब ये टॉर्क देखो, अब ये टॉर्क का, ये जो टॉर्क है इसकी वजह से, ये एमजी की वजह से जो टॉर्क है, ओके, कितना लगेगा, एमजी इंटू एल बाई टू, क्योंकि एमजी फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, एल बाई टू। लेकिन ये एमजी इंटू एल बाई टू इसको इधर घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है, यानी विच सेंस, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। तो एक काम करेंगे ना, जो टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएंगे उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से फिक्स कर लेंगे, जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहां पे सिर्फ एक चेंज करना है आपको, दैट इज निगेटिव, ठीक है। ध्यान में, क्योंकि ये mg की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश करेगा। हम लोग क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव अगर पकड़ लिए तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। अगर आप उल्टा लोगे तो कोई टेंशन नहीं, आप क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लिए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव लेना पड़ेगा। ये आपके ऊपर चॉइस है, ये कोई दुनिया का कन्वेंशन नहीं है, आप चूज कर लो जो आपको चूज करना है। मैंने क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा। तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, टीए लग रहा है, लेकिन टीए का जो टॉर्क है वो उसको इधर घुमाएगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं लूंगा पॉजिटिव उसको, ठीक है। तो सॉरी, टीबी तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब उसका डिस्टेंस कितना है, 3L/4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। बस यही फोर्स लग रहे थे, अब ये टर्म तो 0 है, ये टर्म उधर चला गया, तो TB इनटू 3L/4 इज इक्वल टू MG इनटू L/2। L कैंसिल, 2 1 2 2 जा, तो कितना हो गया, TB 2 उधर चला गया, 2/3 MG या गया हमारा TB का वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, देयरफॉर TA प्लस TB कितना है, 2/3 MG, दैट इज इक्वल टू MG। ये अगर उधर गया तो क्या आ जाएगा, TA इज इक्वल टू MG माइनस 2/3 MG, देयरफॉर TA इज इक्वल टू MG / 3, हमारा आंसर, ओके। समझ में आया ये इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये न्यूमेरिकल फेमस है, आपको हर बुक में दिखेगा, ओके। ये न्यूमेरिकल जो है आपको हर बुक में जेई और नीट के मिलेगा, वो ये है कि एक सहारे से, ऐसा सहारा दिया हुआ है ना, सहारा ही बोलेंगे हम लोग, है ना, इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, L लेंथ का रॉड रखा है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको निकालना है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कितने, ओके। रॉड का मास है M, रॉड का मास जो है ये M दिया हुआ, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस एक्ट जो है, फोर्सेस वो निकाल लेंगे, ठीक है। और रॉड इक्विलिब्रियम में दिया है, हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, रॉड क्या दिया है, इक्विलिब्रियम में। जब कुछ बोला नहीं है इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है। अब इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, सबसे पहले इसका वजन mg यहां लग रहा है बीच में, ठीक है, यहां पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N1, यहां पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है। अब रॉड, अब ये रॉड को कंसीडर किए, ये घसरेगा तो ये इधर तो नहीं घसर सकता ना, रॉड ऐसा ऐसा जा रहा है, पॉसिबल नहीं ना, वो तो रॉड ये ऐसा ऐसा मूव करेगा, तो रॉड का मोशन जो है, टेंडेंसी ऑफ मोशन, वो किस साइड में है, राइट साइड में, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे इस साइड में लगेगा, लेफ्ट साइड में, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। ध्यान में, क्योंकि रॉड अगर घसरना चालू किया, या अभी अगर देखोगे कि वो कहां घसर सकता है,
किधर है उसका टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो वो इस साइड में ही रहेगा ना, क्योंकि वो ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा नीचे नीचे जाएगा ना वो ऐसा। तो रॉड जब इधर घसरेगा या इसका मोशन इधर रहेगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस हो गए। सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा, सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, यानी समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन बनता है एफ एक्स में, एक्स में एन टू इधर लग रहे हैं, स्मॉल एफ इधर लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक है एन टू राइट साइड में, स्मॉल एफ लेफ्ट साइड में। समेशन एफ एक्स जीरो तभी रहेगा जब एन टू स्मॉल एफ के बराबर रहेगा, यानी एन टू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रहेगा, यानी पहला इक्वेशन हो गया एन टू इज इक्वल टू स्मॉल एफ, ठीक है। समेशन एफ आई जीरो, समेशन एफ आई जीरो कब हो सकता है, जब सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है एन वन, नीचे एक फोर्स लग रहा है एम जी, ये दोनों इक्वल अगर रहेंगे तो समेशन एफ आई भी जीरो रहेगा। तो ये हो गई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके। नाउ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क एट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो। मैंने ए पॉइंट पकड़ा, लेट अस इसको ए बोलूंगा और इसको बी बोलूंगा, ठीक है। अब हमको ये पता है कि जो एम जी है ये ऐसा लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक ये रहेगा और एक रहेगा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, तो ये कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया एम जी साइन थीटा, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क, जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ये हमारा रूल है। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में पढ़ा, क्लॉकवाइज टॉर्क हम लोग लेंगे नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब सबसे पहला फोर्स लेंगे एन टू, तो एन टू क्या प्रोड्यूस करेगा, एन टू का टर्निंग इफेक्ट इस साइड में, इस साइड का टर्निंग इफेक्ट पहले कौन सा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव, एन टू इन टू उसका डिस्टेंस ए से कितना है जीरो, मतलब उसका तो कोई टॉर्क ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा फोर्स एम जी कॉस थीटा, mg cos theta उसको इधर रोटेट कर रहा है ना, तुम देख रहे हो mg cos theta इधर रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव, माइनस mg cos theta इनटू उसका डिस्टेंस कितना है यहां से, ये डिस्टेंस कितना रहेगा l by 2, रॉड की लेंथ है l, तो ये हाफ डिस्टेंस हो गया। अब mg sin theta मैं नहीं लूंगा क्योंकि mg sin theta और पोजीशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, जब r और f सेम डायरेक्शन में रहेंगे यानी उनका थीटा कितना रहेगा जीरो, तो टॉर्क उनके वजह से कितना रहेगा जीरो, यानी mg sin theta does not contribute to any torque because a से जो हम लोग लाइन ज्वाइन करेंगे उसी लाइन के अलोंग कौन एक्ट कर रहे हैं mg sin theta, तो इसलिए mg sin theta का टॉर्क नहीं लेंगे क्योंकि mg sin theta फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है r उनके बीच में एंगल कितना है जीरो, तो टॉर्क भी कितना रहेगा ड्यू टू mg sin थीटा जीरो, ठीक है। अब बात आती है स्मॉल f फोर्स की, स्मॉल f फोर्स जो है ये जो है ये टेंडेंसी इसका ऐसा घुमाने का, ये ऐसा घुमाने का मतलब कौन सा, क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा क्योंकि देखो ना f यहां पे है तो मैं इसको यहां पे रख लेता हूं, एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, f को उठा के यहां रखा तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ये l है और ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया l sin थीटा, समझा सबको, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है l sin थीटा और फोर्स कितना है f, तो इसका फोर्स इनटू l sin थीटा, ठीक है। अब आता है n1, ओके n1 किधर घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि n1 ऐसा लग रहा है ना, तो n1 ऊपर लग रहा है तो ये रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो उसकी वजह से टॉर्क लेंगे पॉजिटिव n1, ठीक है। ठीक है, अब n1 टॉर्क का पॉजिटिव है, अब उसका डिस्टेंस कितना लेना है, उसका डिस्टेंस लेंगे ये वाला, ये वाला। अब ये वाला डिस्टेंस
एल कॉस थीटा है तो ये वाला डिस्टेंस भी एल कॉस थीटा रहेगा, है ना, और ये रहेगा एन वन, तो उसका डिस्टेंस लेंगे एल कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म जीरो हो गया, ये नेगेटिव का जीरो साइड जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन वन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंटू एल बाई टू प्लस एफ एल साइन थीटा। सब में पहले एल कट हो गया, ठीक है, लेकिन एन वन का वैल्यू कितना है एम जी, देयरफॉर एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा बाई टू प्लस एफ साइन थीटा, ये इधर चला गया, तो क्या हो गया ये एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा बाई टू इज एम जी कॉस थीटा बाई टू, और उसका साइन थीटा नीचे आ गया मतलब साइन थीटा, यानी कितना हो गया एम जी कॉट थीटा बाई टू, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन फोर्स। अब एक बार फ्रिक्शन फोर्स आ गया तो एन वन भी, एन वन तो एम जी है, एफ कितना है फ्रिक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन एन टू कितना है फ्रिक्शन फोर्स, यानी यही वैल्यू किसका है एन टू का। सो दिस वाज ऑल, हमको क्या निकालना था इसमें, सारे नॉर्मल रिएक्शंस और सारे फ्रिक्शन फोर्स निकालना था। पहला नॉर्मल रिएक्शन एम जी है, ये तो फिक्स हो गया, ये तो यही आ गया था आंसर, ये एन टू और एफ सेम है, यहां से पता चल गया था एफ की वैल्यू इतनी है, यही एन टू की वैल्यू रहेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लिए, ये प्रॉब्लम्स को समझ लो अच्छे से, यही से इक्विलिब्रियम पूरा समझ में आ जाएगा।